Assalamu alaikum, this is Sikandar Vasan with another vlog. और जैसा कि आज जुम्मा है तो जुम्मे के दिन शहर तो तकरीबन बंद ही होते हैं, तो आज हमने सोचा कि गांव की तरफ चला जाए और आप लोग गांव की ब्यूटी, वहां का कल्चर दिखाया जाए और जो वहां पे आजकल जो उसके करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो भी आपको दिखाए जाए, वहां के लोग, वहां का रिहायशी, वहां की, तो आपको चल के दिखाते हैं। और ये मेरा गाँव है पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। तो जी, गांव आ चुके हैं और ये है हमारे अकाउंटेंट साहब जो कि लिखने करने का काम करते हैं, तो चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो अकाउंटेंट जी, बताइए आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं? नमक तो नहीं है सर। अच्छा, सॉरी। तो ये बताइए, अभी हमारे जो खेत हैं उनमें क्या लगा हुआ है? अभी तो फुट्टी लगी हुई है। अच्छा, और फुट्टी अभी आखिर है। फुट्टी कॉटन को बोलते हैं, अभी उसकी आखिर है। अभी रेट तो मिला नहीं हमारे, उसमें मज़ा नहीं आया। अभी उसके बाद हम कणकी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जिसको गंदम बोलते हैं। अभी तैयार होगी ज़मीन तो तैयार कर रहे हैं, फिर इसमें तुरिया भी लगाएंगे, गन्ना भी लगाएंगे, कोशिश करेंगे कोई अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाए। और पानी की क्या सूरत है? पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जैसे पहले ज़मीन फुल आबाद हो रही, अभी 50% हो रही है। कॉटन क्रॉप जो कि ऑलमोस्ट एंड पे है और ये अभी ख़त्म होने वाला है इसका सीज़न, और इसके बाद गंदम आएगी इंशाल्लाह, फिर उसका भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू देंगे। अभी चलते हैं हमारे राइट की तरफ जो वो है। भैया, इसको देख के ना सुल्तान वाली फीलिंग आ रही है अचानक से, धूल में मेरे मिट्टी और ऐसा सब। बहुत ही हैवी टूल है ये, बहुत खतरनाक है। तो भैया, ले दे के बात ये है कि दिखने में तो सब कुछ बहुत प्यारा और अच्छा लगता है, मगर शहरी पप्पू यहाँ पे दो दिन भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट और बाकी जो असरात हैं, चीज़ें हैं, वो अवेलेबल ज़्यादा, और मार्केटें जो हैं 6 से 7 बजे बंद हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर ये फ़ायदा है, सुबह जल्दी उठ सकते हैं आप, यहाँ का एटमोसफेयर और यहाँ के लोग वगैरह, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे मिल सकती है यहाँ पे। बाकी जो न्यू जनरेशन है उसका आप अपनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।